इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जितने भाई पेटीएम यूजर्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप वन तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये जानकारी हमें इंटरनेट मीडिया रिपोर्ट के साथ मिल रही है दोस्तों। ये देखिए हिंदुस्तान के नेट कटिंग पेपर पे आया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग बने रहेगा। यूजर्स के लिए अलर्ट 1 मार्च से बंद हो रही है ऐप पर मिलने वाली कई सर्विस RBI ने लगा दी रोक। यदि आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए इस खबर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिनटेक कंपनी पेटीएम 1 मार्च अपने ऐप पर मिलने वाली कई सर्विस को बंद कर रहा है। जानिए इसे जुड़ी सभी डिटेल्स में, उसके बाद उसे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए इस खबर को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिनटेक कंपनी पेटीएम 1 मार्च अपने ऐप पर मिलने वाली कई सर्विस को बंद कर रहा है। दरअसल RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब 29 फरवरी के बाद से कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा नहीं दे सकेगी। पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों अपने अकाउंट में पैसे नहीं ऐड कर पाएंगे। साथ ही RBI ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूद ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने बताया है कि नियमों का पालन न करने की वजह से कार्रवाई की गई है। RBI ने इस सर्विस पर लगाई पाबंदी। RBI ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स पे पैसा नहीं डाल पाएंगे। नए डिपॉजिट और नया टॉपअप कराने पर भी रोक लगी है। 1 मार्च से कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी। इन चीजों पर नहीं है कोई रोक। हालांकि 29 फरवरी के बाद भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा ग्राहकों के पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ग्राहक अपने वॉलेट फास्टैग कार्ड में बड़े पैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन यह प्लेटफॉर्म और उसके ग्राहकों विशेष बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसका पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल आपने जो भी सुना सही है, तो भाई आपको सावधान होना है। जितने भाई पेटीएम से यूजर्स हैं, तो भाई आपका 29 मार्च से बहुत सारे सब कुछ बंद होने जा रहे हैं। तो आपने जो भी सुना सही है इस वीडियो के माध्यम से, बस इतना ही। जय हिंद।